नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, कल 45 जगह होगा रोजगार मेले का आयोजन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भड़की हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव, 8 पुलिस कर्मी घायल। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का 2 दिवसीय दौरा, कल से रक्षा मंत्री से जाकर करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस, 22 मई को पूछताछ के लिए बुलाए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रेड जोन में घुसे इमरान विरोधी प्रदर्शनकारी, यहां सुप्रीम कोर्ट भी और संसद भी। पटना में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज लगा सकते हैं अपना दिव्य दरबार, मंच पर किया गया बदलाव। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद होंगे सीबीआई के नए डायरेक्टर, 2 साल का होगा इनका कार्यकाल। केकेआर के सभी खिलाड़ियों को बीसीसी ने दी सजा, कप्तान पर ठोका 24 लाख का जुर्माना। महाराष्ट्र के अकोला में आज इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी चली, हिंसा केस में 45 हुए गिरफ्तार। और थिएटर में धुआंधार कमाई कर रही है द रियल केरल स्टोरी, यूके ऑस्ट्रेलिया में भी किया रिकॉर्ड दर्ज।